So far, so good. Can we move towards the next box? Okay. Next device है हमारे पास Nexus. और Nexus device में रहते हुए जाहिर है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, तो इसके अंदर चीजें कुछ मुख्तलिफ हैं. आप में से जिन्होंने Nexus पे काम किया हुआ है, फॉर देम इट विल नॉट बी चैलेंजिंग एट ऑल, बट जिन्होंने Nexus पे काम नहीं किया उनको थोड़ा सा Nexus को अगर कुछ कमांड्स की अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी आए तो Nexus की कॉन्फ़िगरेशन गाइड को देखना होगा, बिकॉज हमारा मकसद जो है वो आइस की साइट की स्ट्रेंथ डेवलप करना है. NAD की जो बूट स्ट्रैपिंग है दैट इज देयर, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, बट अगर कोई उसके अंदर कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क मी और कंसल्ट Nexus OS डॉक्यूमेंटेशन. अच्छा जी, Nexus का जो फ्लो है वो कुछ इस तरह से है कि वही डिवाइस एडमिन सर्विस एनेबल होनी चाहिए. आप Nexus बॉक्स को ऐड करेंगे एज NAD, वही एडमिन पॉलिसी सेट वगैरह सब कुछ वही फ्लो है, कमांड सेट्स वही चलते हैं इसमें भी. लेकिन फर्क इतना सा है कि जो TechX की प्रोफाइल आप बनाते हैं वो अब आपने शेल प्रोफाइल नहीं बनानी बल्कि Nexus प्रोफाइल बनानी है. Nexus प्रोफाइल जो है इसका काम ये है कि ये आपको जो शेल परमिशंस हैं, और ये वैसे देखा जाए तो iOS से बहुत आसान है और रिलेटिवली ईजियर है. होता ये है कि जो Nexus का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें Nexus का जो OS है इसके अंदर कॉन्सेप्ट है VDC का, वर्चुअल डिवाइस कॉन्टेक्स्ट. हर VDC एक अलग स्विच है. दिस इज जस्ट लाइक ASA कॉन्टेक्स्ट्स. तो आप एक Nexus स्विच को मल्टीपल VDCs में पार्टीशन कर सकते हैं. कुछ आप कस्टम VDCs बना सकते हैं और एक VDC बना हुआ आता है जिसको हम कहते हैं VDC डिफॉल्ट. हर VDC के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो आप यहां पर ऑब्वियसली जो शेल है उस शेल में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं. शेल जो है Nexus का जो शेल है दैट इज ऑलरेडी हैविंग सम रोल्स डिफाइंड. शेल के अंदर रोल्स डिफाइंड है, जिस तरह रोल है नेटवर्क एडमिन का. तो ये सिस्को की तरफ से फैक्ट्री डिफॉल्ट बना हुआ आता है. जिसके पास नेटवर्क एडमिन का रोल है वो उस वीडीसी के अंदर तमाम कमांड्स को रीड और राइट कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकता है. फिर उस शेल के अंदर रोल बना हुआ है नेटवर्क ऑपरेटर का, ये Nexus में बना हुआ है. नेटवर्क ऑपरेटर रोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ रीड ऑनली कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकता है, वो कुछ चेंजेस नहीं कर सकता. सो यू सी वी हैव अ वीडीसी, विद इन वीडीसी वी हैव अ शेल, और विद इन शेल वी हैव रोल्स. अब आप किस रोल में लॉगिन हुए हैं दैट विल बेसिकली डिसाइड कि आप कौन कौन सी कमांड्स चला सकते हैं. तो यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल Nexus की सिलेक्ट करने का मकसद ही ये है कि वो आपसे पूछना शुरू कर देगा कि आपने कौन सा रोल यूज करना है. जो रोल आप डिफाइन करेंगे यूज कर लेंगे वो रोल यूजर उसी रोल में लॉगिन होगा उस VDC में, और जब वो उस रोल में लॉगिन होगा तो रोल की जो परमिशंस हैं उस पर लागू हो जाएंगी. तो कमांड्स फिर वो वही चला सकेगा जो उस रोल में अलाउड है. अगर उस रोल में रहते हुए आप मजीद कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, किसी कमांड को नहीं एग्जीक्यूट होने देना चाहते, तो आप कमांड सेट्स को बहरहाल बदस्तूर यूज कर सकते हैं. दिस इज अप टू यू. जिस तरह अगर कोई नेटवर्क एडमिन में लॉगिन होता है तो उसको तो सारी कमांड्स अलाउड हैं. आप कोई कमांड नहीं अलाउ कराना चाहते तो आप कमांड सेट का सहारा ले लें और इसके जरिए आप कोई कमांड डिनाय कर लें. बट मेनली जो रोल्स बने हुए हैं Nexus के ऑपरेटिंग सिस्टम में, those roles are already well defined and okay
फॉर मोस्ट ऑफ द टास्क जो हमने अपने नेटवर्क के अंदर डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से करने होते हैं। कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रही अंडरस्टैंडिंग में? तो आप यहां देखिए, जिस तरह हम अगर नेक्सस स्विच के अंदर लॉग इन है तो हम शो रोल अगर करें और शो रोल नेम नेटवर्क ऑपरेटर लिखें तो हमें बताता है कि इसको परमिशन है रीड कमांड्स की और ये एक प्री डिफाइंड रोल है। अगर हम लिखें शो रोल नेम नेटवर्क एडमिन तो इसको परमिशन है रीड एंड राइट कमांड्स की। सो ये रोल नेक्सस में बने बनाए आते हैं, हम नहीं बना रहे उनको। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप यहाँ से नेक्सस की जो प्रोफाइल बनाएंगे उसमें आप यहाँ से ऑपरेटर या एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक करें तो ये भी पीछे इन्हीं रोल्स को कॉल करता है, और अगर आप कोई खुद से स्पेसिफिक रोल रिटर्न करना चाहते हैं तो आप बेशक यहाँ पे नन रखिए प्रोफाइल में और आप यहाँ पे कस्टम एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं शेल कॉलन रोल्स, और उसके आगे आप वो नाम रिटर्न कर दें उस रोल का जो नेक्सस ऑपरेटिंग सिस्टम में बना हुआ है। तो जो यूजर लॉगिन होगा जिसको ये शेल प्रोफाइल एलोकेट होगी उसको जो रोल आप बोलेंगे वो उस रोल में ही लॉगिन होगा। तो जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो यू कैन गिव कमांड शो यूजर अकाउंट एंड इट विल टेल यू दैट इफ यू आर लॉग्ड इन यूजर यूजिंग यूजर वन आपका रोल नेटवर्क एडमिन का है, इफ यू आर लॉग्ड इन एज ए आप एडमिन है, इफ यू आर लॉग्ड इन एज ओ आप ऑपरेटर हैं। मेक सेंस? तो अब हम अपने टोपोलॉजी में देख लेते हैं कि हमारे पास नेक्सस जो है वो किस आईपी पे अवेलेबल है। दिस इज अवेलेबल ऑन 192.168.5.203। अभी हम इसको एक्सेस करके देखते हैं। So far there is nothing configured in terms of TechX. VDC अगर मैं देखूं तो इसके अंदर एक VDC ऑलरेडी बना हुआ है Nexus 9K के नाम से, the only VDC working at the moment. और क्योंकि ये VRF enabled भी है, अगर layer 3 switch है तो इसमें VRF भी बने हुए हैं। मैं डिफॉल्ट VRF में हूं, इसमें मैनेजमेंट VRF भी अवेलेबल है। अब जिस इंटरफेस से मैंने कम्युनिकेशन करनी है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके हम देख लेते हैं। ईथरनेट 1 है वो, और ईथरनेट 1 को अगर मैं चेक करूं कि ये किस VRF में है, तो जब VRF कोई डिफाइंड नहीं है तो वो VRF डिफॉल्ट का ही हिस्सा है। सो माई इंटरफेस थ्रू विच आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट विद TSN इज पार्ट ऑफ VRF डिफॉल्ट। ओके, अच्छा जी, अभी शो रोल करूं अगर मैं और एंटर करूं तो आप देखिए इसमें तो बेतहाशा रोल बने हुए हैं, AAADB एडमिन रोल, नेटवर्क एडमिन रोल, L3DB एडमिन रोल, नेटवर्क ऑपरेटर रोल, Privilege 15 role, Privilege 10 role. There are many predefined roles in it, in Nexus OS. अब आप क्या करेंगे कि आप इनमें से किसी भी role के name को return कर देंगे जो user आपका login होगा, और उसके ऊपर वो वाली पाबंदियां जो हैं वो apply हो जाएंगी।